तो हेलो एवरीवन। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी को परेशान कर सकते हो, कैसे आप किसी के पास फेक कॉल्स वगैरह कर सकते हो, फेक मैसेज कर सकते हो, कैसे आप किसी के साथ मजाक कर सकते हो, अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर या फिर किसी के साथ भी आप ये वाला मजाक कर सकते हो। उसके पास काफ़ी कॉल्स आएंगे कंपनी के नंबर से, आपके किसी नंबर से भी कॉल नहीं आएंगे, वो परेशान हो जाएगा। काफ़ी मैसेजेस आएंगे ऐसे OTP टाइप के, तो बंदा परेशान हो जाएगा क्या है क्या नहीं। तो आप ये वाला सिस्टम कर सकते हो, कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको ना तो किसी पीसी की ज़रूरत, ना किसी लिनक्स काली वगैरह किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने नॉर्मल मोबाइल ब्राउजर पर भी आप ये सब कुछ कर सकते हो। आपको बस एक वेबसाइट सर्च करनी पड़ेगी, कॉल बॉम्बर्स, इस नाम से, कॉल बॉम्बर्स के नाम से ये आपकी वेबसाइट है। तो ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो गई है। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पर आपसे क्या मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा। तो आप मोबाइल नंबर उस बंदे का डालिए जिसके पास आप कॉल करना चाहते हो। आपके ना तो कोई मोबाइल नंबर डालना, आपको कुछ नहीं करना, वरना आपके नंबर जाएंगे उसके पास। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके पास कंपनी के नंबर से कॉल आएंगे, कभी किसी नंबर से कभी किसी नंबर से, लेकिन नंबर लगेंगे अपने इंडिया जैसे। बंदा सोचेगा कि यार किसी दोस्त का फोन आया होगा, वो उठा उठा के परेशान हो जाएगा। तो एक तरह से अपन किसी को पागल बना सकते हैं, किसी से पुरानी दुश्मनी निकालना हो तो वो कर सकते हैं, किसी से परेशान किसी को परेशान करना हो तो कर सकते हैं। लेकिन इसका आप इलीगल यूज मत करना, कहीं आप ज्यादा हद से ज्यादा किसी को परेशान कर लो। इसमें देखो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। SMS बॉम्बर, आप उसके पास अनलिमिटेड टाइप के मैसेज कर सकते हो। उसके पास मैसेज आएंगे काफी, जैसे OTP वगैरह आना, ऐसे काफी मैसेज आएंगे उसके पास। और आप कॉल और SMS दोनों एक साथ ही भेज सकते हो। उसके पास कॉल भी आएगा, SMS भी आएंगे, दोनों एक साथ ही भेज सकते हो। और आप अगर चाहो कि नहीं यार ये सिस्टम अगर मैं किसी के साथ कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ मजाक कर रहा हूँ, कोई मेरे पास कॉल मैसेज कर रहा है, तो ऐसे मैं कोई दूसरा बंदा भी मेरे पास कर सकता है। तो इसका मतलब आपको अपना नंबर यहाँ पर प्रोटेक्ट लिस्ट में अगर आप डाल दोगे तो कोई दूसरा बंदा आपके ऊपर ट्राई करेगा ना, तो आपका नंबर नहीं होगा ऐसा। कोई भी बंदा आपके ऊपर ट्राई करने की कोशिश करेगा, फेक कॉल करने की, फेक मैसेज करने की, कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा उसके साथ। तो आप इसमें प्रोटेक्ट लिस्ट में आपके नंबर डाल सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो आपके नंबर्स को यहाँ पर डाल के, आपके नंबर और आपका नाम यहाँ डाल के फिर वेरिफिकेशन कर देना, तो आपका नंबर प्रोटेक्ट लिस्ट में चला जाएगा। मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपके, मेरे वाले नंबर पर ही, दूसरे नंबर पर, ठीक है, इस वाले नंबर पर मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि ये वाले नंबर मेरे प्रोटेक्ट लिस्ट में नहीं है। अभी अपन देखते हैं होता है तो ना, दूसरे वाले नंबर चेक कर लेंगे, क्या कोई कंपल्सरी नहीं है। प्रोटेक्ट लिस्ट में अगर किसी बंदे ने डाल दिया ना, तो उसके पास ना तो कॉल जाएगा ना कोई मैसेज जाएंगे। हाँ, तो देखो जा रहे हैं, ये क्या है कि मेरे बैकग्राउंड में दूसरा सर्वर ऑन था, तो देखिए मेरे वाले नंबर पे कॉल जा रही है। थोड़ी देर में कॉल आने स्टार्ट हो जाएगी, बंदा परेशान हो जाएगा, अननोन नंबरों से कॉल आएंगी, वो सोचेगा कि यार कोई बंदा लीगली होगा, क्योंकि अपने इंडिया वाले नंबर से आएंगे ना कि फॉरेन नंबर से। बंदा सोचेगा कि यार लीगली नंबर होगा, तो उठा उठा के परेशान हो जाएगा। तो ऐसे आप किसी बंदे को परेशान भी कर सकते हो, उसके साथ मजाक भी कर सकते हो, कोई तो आपके फैमिली मेंबर और दोस्त हो, जैसे कि मेरे पास आ गया कॉल। अब ये पता नहीं किसके नंबर है क्या नंबर है, बस लेकिन इंडिया नंबर है इतना जरूर पता है, 8035271348। अब इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है, फिर आएगा ये काटने के बाद, फिर आते हैं, मतलब काट दो फिर भी आएंगे, उठा लो फिर भी आएंगे, बंदा परेशान हो जाएगा सर क्या करूँ। तब तक ये आ गया, फिर से आ गया, तो जब तक मैं यहाँ से स्टॉप नहीं करूँगा तब तक उस बंदे को परेशान करते रहेंगे, कॉल करके मैसेज आएंगे उसके पास, काफी मैसेज आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ, मैं अपने आप को ही क्यों परेशान करना। ये आ गए मैसेज, देखो ऐसे मतलब मैसेज भी आएंगे कॉल भी आएंगे, बंदा परेशान हो जाएगा, बंदा सोचेगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, के कौन सा फ्रॉड हो रहा है कौन सा नहीं। अरे बंद करने के बाद भी अभी भी कॉल आ रहे हैं मेरे पास, ये सर जब तक तो सर्वर चलता रहता है तब तक आते रहते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट जा चुकी है आगे, तो कुछ देर तक आएंगे आपके पास कॉल मैसेज वगैरह। तो वो नहीं बता, आप अपने नंबर प्रोटेक्ट लिस्ट में डाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका कोई फ्रेंड फिर आपके साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकता, आपके पास ना तो कोई कॉल आएगी ना कोई मैसेज आएगा, उसको बता देगा कि दिस नंबर इज प्रोटेक्टेड, आप इस नंबर पर कुछ भी नहीं कर सकते, ये स्टैंडर्ड नंबर है, तो इसका भी कुछ फायदा है आपका। चलिए फिर आज की वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।